इंसान ने जबान सीखी, पर आज उस धरती पे इंसान की जबान क्या हुई है, हम क्या भाषा बोल रहे हैं। हमें मेहरबानी करके मार्क ट्विन के इन शब्दों को देखना चाहिए। रॉबर्ट ब्लैकविल अमेरिका के एम्बेसडर थे, भारत में 3 साल रहे। वो भारत से अभिभूत थे, चमत्कृत थे। जब जाने लगे तो अपने फेयरवेल में कहा कि आई टेक इंडिया एज माई मदरलैंड, इट्स ए पिलर सोसाइटी, पीपल डू मैजिक विद डेमोक्रेसी एवरी डे, देयर आर गुड रिलेशंस बिटवीन कम्युनिटीज, आई विल लव टू बोर्न 10 times मोर टू रीडिस्कवर इंडिया। सऊदी अरब के एक स्कॉलर थे हराबी, 4-5 साल पहले भारत आया और जाके सऊदी गजट में लिखा कि मैं हिंदुस्तान घूमकर आया हूँ, मुख्तलिफ जबान, मुख्तलिफ नस्ल, आस्था, इबादत, श्रद्धा के लोग मिलजुल के रहते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं। उस मुल्क ने लोकतंत्र को महफूज रखा है, उस मुल्क ने सुई से लेकर रॉकेट तक सब बनाया है, और एक अरब देश है हम लोग, जो एक नस्ल, एक खून, एक जबान, एक आस्था, हम खून खराबे में लगे हुए हैं। मुझे ईर्ष्या उठती है भारत से। गांधी को बहुत मानते थे मार्टिन लूथर किंग, जो कहते थे कि बाकी मुल्कों में तो मैं एक सैलानी की तरह जाता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में मैं एक धर्मयात्री की तरह आता हूँ, तीर्थयात्री की तरह आता हूँ। अगर आप कुछ भी करते हैं तो ये जहन में रखिए कि दुनिया आपको किस नज़र से देख रही है। यही राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक संस्कृत सम्मेलन में मुझे बेल्जियम की एक अध्येता मिली, संस्कृत पढ़ी लिखी थी, और उन्होंने मुझसे एक बात कही कि नारायण तो हमारी नकल क्यों कर रहे हो, क्या हम ये देखने के लिए भारत आते हैं क्या? तो मुझे हाथ, मेरे लगा मेरे हाथ से कुछ फिसल रहा है। इतनी तरक्की हमारी बेईमानी है, जब हमारे लोग कुछ खराब करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं। मार्गरेट मीड एक बड़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी दुनिया में, आज भी उनको पढ़ा जाता है। एक बार पढ़ाते पढ़ाते बच्चों ने पूछा कि सभ्यता का पहला चिन्ह क्या था। उन्होंने कहा 15,000 साल पहले इस बात की निशानदेही हुई कि सभ्यता आ गई है। उन्होंने शरीर का हवाला देते हुए कहा कि जिसमें फीमर, जांघ की हड्डी सबसे लंबी हड्डी होती है, वो टूट जाए तो परिंदा, जानवर, इंसान निढाल हो जाता है। जब तक कोई दूसरा सहायता नहीं करे, वो आते जाते लोगों का आहार बनेगा और दम तोड़ देगा। एक आर्कोलॉजिकल साइट पे पुरातत्व के इलाके में पहली बार एक टूटी हड्डी जुड़ी हुई मिली, जिससे अर्थ निकाला गया कि इसका मतलब यह है कि जिसकी हड्डी टूटी थी उसको किसी ने साथ दिया है, आहार दिया है, उसकी खिदमत की है। ये सभ्यता का पहला चिन्ह था। हम सबसे पुरानी तहजीब हैं। 2018 में बाड़मेर में 3 मजदूर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, एक बस ने टक्कर मारी, 3 लहूलुहान होकर गिर गए, और भीड़ खड़ी सेल्फी लेती रही, वो मदद के लिए गुहार करते रहे, एक एक करके 3 ने दम तोड़ दिया। ये कौन सी सभ्यता का चिन्ह है? हम 70 साल बाद कैसा समाज बना रहे हैं, जहाँ इंसान सेल्फी ले रहा है और सामने किसी की सांसें उखड़ रही है। मैं देखता हूँ जब कोई दहेज हत्या हो जाती है किसी शहर में तो जुलूस उमड़ता है, मोमबत्तियाँ लेके लोग निकलते हैं, ऐसा लगता है कि दहेज की पूरा समाज खिलाफ है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों 21 लड़कियों को रोज हम दहेज की खातिर मार डालते हैं? हम कितने विरोधाभास आडंबर में जी रहे हैं। हमें सीखना चाहिए। और अब हम कैसा भारत बना रहे हैं, मैं गली गली में जिम खुलते हुए देख रहा हूँ, उतने पुस्तकालय नहीं खुल रहे हैं। तकरीबन 2 लाख जिम भारत में है। अमेरिका की गोल्ड सबसे पुरानी मानवीय जिम की कंपनी है, जिसने उस समय भारत में आके बॉम्बे में अपना केंद्र खोला जब किसान मर रहे थे। आज उनकी छत्तीसगढ़ में भी है, वो झारखंड में भी है। रोज लोग जिम जाते हैं और कहते हैं ना कि लाइफ में आराम हो तो आइडिया आते हैं। जिनको बहुत खाने को मिलता है वो पचाने के लिए जिम जाते हैं। ऐसे भी भारत में लोग हैं जो क्या खाएं ये सोच के दिन उनका पूरा नहीं होता है। महात्मा गांधी 46 किलो के थे, वो कभी जिम नहीं गए। उन्होंने उस दुनिया का सूर्यास्त कर दिया जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। विवेकानंद भीतर पे जोर देते थे, और आप जानते हैं भारत का शाब्दिक अर्थ है अंदर की रोशनी, बाहर की नहीं, अंदर की खूबसूरती। लेकिन अब पूरा जोर हमारा आप बाहर से कैसे हैं, आपकी चमक दमक कैसी है, इससे मूल्यांकन करने लग गए हैं। 80,000 करोड़ रुपए का कॉस्मेटिक और वेलनेस का व्यापार हिंदुस्तान में, और डे बाई डे बढ़ रहा है। दबाव है हमारी पीढ़ी पे कि आपको खूबसूरत दिखना है। और बदकिस्मती से निकिता लाड खंडवा की लड़की थी, 2 साल पहले एक चिट्ठी लिख के खुदकुशी कर गई कि मैं देखने में खूबसूरत नहीं हूँ।
उस मुल्क ने जिसने ये सवाल पहले कभी पूछा गया था कि खूबसूरती क्या है, यशोमती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी में क्यों काला, तो हमारे पुरखों ने जवाब दिया सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है वही सुंदर है, लेकिन अब चमक तमक आभा। मैं विज्ञापन देखता हूँ अखबारों में, इश्तिहार देखता हूँ, मेरे भी बाल कम हो रहे, उम्र से होते हैं, कुछ जेनेटिक होते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान एक झड़ते हुए बालों का देश है। केस कला, केस परी, हेयर ट्रांसप्लांटेशन 10% के हिसाब से ग्रोथ हो रही है। आपके बाल नहीं है तो आप समाज को स्वीकार्य नहीं हो। जिस मुल्क में किलो किलो लोग बाल चढ़ाते हो, तिरुपति के यहाँ पे 150 करोड़ के बाल वो बेचते हो, उस मुल्क में आपने ऐसा वातावरण बनाया कि बाल नहीं है तो आपका कोई जीवन ही नहीं है। कितना दबाव हम इंसान पर डाल रहे हैं, हमें भीतर की सुंदरता, अपने भीतर को देखना चाहिए। और आखिर में मैं विवेकानंद जी के उस बयान को हिंदुस्तान की रूह मानता हूँ जो उन्होंने 128 साल पहले अमेरिका की धर्म संसद में दिया था और कहा था कि मुझे फक्र है उस देश से हूँ जिसने कभी अपने कपाट बंद नहीं रखे। हमने सताए हुए इंद्राजियों के रोमन साम्राज्य ने जिनके स्मृति चिन्ह नष्ट किए थे, हम उनको हृदय में सहेज के रखा है। हमने पारसियों को पनाह दी है, हमने संसार की सताई नस्ल को अपने यहाँ जगह दी है, हमने संसार को सहिष्णुता टॉलरेंस सिखाई है। मैं उस देश का नागरिक हूँ, वही भारत का बयान है। हमें एक बार फिर से रिविजिट करना चाहिए विवेकानंद जी ने क्या कहा था, उससे इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपने मुझे सुना, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बारेट सर, आपने अपने विचारों से युवा वर्ग